When to get into the savings and the investment timing? Yeah. You went into it. I, I think now looking back, you might even say yeah, I was late. For yes, this true. I probably you were married and then you wanted to get into it. What's the right time to start saving and investing? Now. Now. now no, no, as an age wise. Pahli tankha. Pahli tankha. Pahli tankha. Pahli tankha. So, one of my golden principles of uh, my golden rules of investment is plan your retirement on the first day of your job. यानी जिस दिन आप पहले दिन नौकरी करने जा रहे हो अपने आप को एक चैलेंज तो दे के देखो यार एक हम 23 साल 24 साल की उम्र में नौकरी पे आ जाते हैं स्टार्टेड व्हेन आई वाज 22 हमारा वो आईबीए का उस वक्त थ्री फोर ईयर प्रोग्राम हुआ करता था बी ऑनर्स एंड एमबीए जो उस वक्त स्टैंडर्ड पाकिस्तान में था सो आई वाज इन माय इन इन द दर्क कहना चाहिए जॉब करना हम बाईस साल की उम्र में आ गए थे नौकरी में uh, आप तेईस साल में घुसते हैं अपने आप को गिव योर सेल्फ ट्वेंटी फाइव ईयर्स

You you are are living living a beautiful, wonderful life, and you are living life and And on your own terms. And alhamdulillah for that. उन्होंने मुझे यही बात बोली कि इसको जो, जो मिथ है ना जो delusion है मिराज जो आपको दिखाया जाता है कि आपको एक जबरदस्त जिंदगी दे रहे हैं लेकिन आप उसमें फंस गए आपका वक्त आपका नहीं है आपका आप जिस वक्त आराम करना चाहते हैं आपको काम करना है आपके एक नहीं आपके कई बॉसेस हैं यू हैव अ लॉर ऑफ स्ट्रेस यू मेकिंग अदर पीपल रिच बट यू आर नॉट गेटिंग रिच देखिए इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस जिंदगी से खुश हैं ठीक है देखे? जो आप बता रही हैं ना वो हुँ. लोग उससे खुश होंगे इट इज़ अबाउट हाउ यू डिफाइन द पर्पज ऑफ योर लाइफ अपनी जिंदगी का आप मकसद क्यों दुनिया में क्यों आए हो भाई दुनिया में अगर जैसे मैं अभी आपको बताता तो, हूँ मैं अभी रोड ट्रिप पे निकला था वापसी पे मैं आया आई स्टॉप टू वर एट सात का बाद मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा बट एक बहुत अच्छी डिसेंट फर्टिलाइजर कंपनी की बड़ी खूबसूरत सोसाइटी उनके एम्प्लॉज़ की वहाँ पर बनी हुई है आई I मीन mean, क्या फैसिलिटी दुनिया की नहीं है जो कि उस उस जंगल बयाबान में सात का बाद इज़ वेरी क्लोज़ टू रहीम यार खान एक सैरा है वहाँ पर उन्होंने पूरी एक बनाई हुई है सोसाइटी मुझे एक यंग इंजीनियर वहाँ पर जिसके जिसका मैं गेस्ट था वो मुझे बता रहा था कि अदिल भाई ये बंदा अट्ठाईस साल से इधर रह रहा है ये बंदा बाईस साल से ये बंदा यानी पाकिस्तान में एक एक पसमानदा इलाके में एक अच्छी सोसाइटी है लेकिन उनकी जिंदगी वो कहते हैं हमारी जिंदगी फैक्ट्री हम आते हैं क्लब चले जाते हैं बट पीपल आर हैप्पी विद डेट लाइफ दे आर पेड हैंसमली आई वॉज लुकिंग एट द कार जो वहाँ पे खड़ी हुई थी कौन सी पाकिस्तान की टॉप कार वहाँ पर नहीं थी जो इस वक्त अवेलेबल है बिकॉज उस कंपनी को ये पुल क्रिएट करना है अपने एम्प्लॉई के लिए द पे दें बल्कि उस बच्चे को मैं समझा कर आया कि बेटा तुम कमा रहे हो तो hmm. स्टार्ट इन्वेस्टिंग जो मनी रियली कॉल मीट दो हफ्ते हो गए उसने मुझे तो कॉल नहीं कैसा मतलब वो शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा लेकिन वोट आई एम ट्राइंग टू सज़ बा इस ज़िंदगी से खुश हैं यार बाज लोगों में बेचैनी है बाज़ लोगों में वही रणबीर कपूर है ऑफ़ तमाशा मूवी के नहीं मैं मेरे अंदर वो एक इस है और एक बेचैनी है और मैं इसमें नहीं जिंदा रह सकता मैं यकीन जाने कि मैं जब अपनी नौकरी के आखिरी के दिनों में वापस आ रहा होता था घर एंड आई यूज़ टू लुक बैक एंड से यार मैंने आज क्या हासिल किया मैंने आज के दिन में क्या किया येस आई वॉज़ वेरी नाइस विद माई टीम एट अ ग्रेट टाइम हमने लंच में बड़ा मज़ाक किया और ये सब किया क्रिकेट पर बात हुई सब कुछ हुआ बट क्या मैं आज प्रोफेशनली कुछ आगे बढ़ा या नहीं मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आके चीजें रुक गई थी एंड मुझे ये अंदाजा हुआ जब मैं नौकरी छोड़ के आया जिसमें नौकरी करता था मुझे लगता था कि शायद नाइनटी परसेंट ऑफ दीपल आर नॉट सेफाइड विदर जॉब आफ्टर आई क्विड जॉब लोगों ने जब मुझे अप्रोच किया आई रियलाइजी नाइन ऑफ दीपल आर नॉट से आपको जो चीज वो देती है ना सिक्योरिटी ब्लैंकेट के साथ कम्फर्ट जोन होता है